सफिशिएंट हो जाता है कि आपने लंच में अगर खा लिया तो सफिशिएंट है, आप उसको स्पून से खा लीजिए या रोटी से खा लीजिए, चना चाट तो नॉर्मली वैसे चम्मच से ही खाई जाती है, तो आप उसको अगर एक बोल भर के आपने खा लिया तो दैट इज़ योर लंच, इनफ फॉर योर लंच। ओके ठीक है, तो फिर हम डिनर पे शिफ्ट हो जाते हैं। डिनर पे आप क्या बनाएं, हम कोरमा बना सकते हैं, लाइट सा कोरमा, बहुत लाइट कोरमा। क्या लाइट कोरमा, ये तो मुझे पता ही नहीं है। जो डिशेस हैं हम बात करते हैं उन चीजों की जो पाकिस्तान में बहुत कॉमनली बनती हैं, हम उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं आज के, हम उन चीजों को शामिल कर रहे हैं। अभी कढ़ाई तो आई नहीं कहीं, अभी कढ़ाई लेके आएंगे, फ्राइडे को कढ़ाई लेके आते हैं। ठीक है, मगर उसके अंदर हमें सिर्फ ये करना है कि ऑयल को कंट्रोल करना है, चीजें वही हैं, स्पाइसेस वही हैं, चिकन वही है, आप ऑयल को कितना डाल रहे हैं वो मैटर करता है। ऑयल को कम कीजिए तो आप लाइट से कोरमा घर में बना सकते हैं। एक किलो मुर्गी कितने तेल में बनाएंगे? एक किलो मुर्गी तो काफी सारी होती है, आप उसको 1/4 कप ऑयल के अंदर, किसी घर में एक किलो मुर्गी बनती है, अब मुझे बताओ इसको कितने ऑयल में बनाएं? क्योंकि एक किलो बहुत ज्यादा है तो आप 1/4 कप ऑयल के अंदर, 1/4 कप इज सफिशिएंट, 1/4 कप जो मेजरमेंट में होता है, 1/4 कप, ओके ठीक है, वो एक किलो के लिए बहुत है, मगर शायद ये भी एक किलो के लिए ज्यादा होगा अगर हम देखें तो। एक टांग भी फ्राई नहीं, डॉक्टर हो जाता है, खाना आराम से बन जाता है, ये हमारा हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा होता है कि कम तेल में खाना नहीं बन सकता, सिर्फ उसकी शक्ल उतनी खूबसूरत नहीं होगी जितनी तेल में लदे हुई चीजों की होती है। ठीक है, मगर सेहत का ताल्लुक सिर्फ जुबान से नहीं होता, सेहत का ताल्लुक ओवरऑल खाने से होता है, हमारे ओवरऑल जिस्म से होता। अच्छा, अभी एक कॉल है, इसके बाद बाकी डिस्कस करते हैं। जी हम वेडनेसडे तक आए ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अनम सिद्धार्थ बात कर रही हूँ। जी अनम, कैसे हैं आप? गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। किधर गई हुई है आप? कॉल नहीं कर रही, अब्बा जी भी गुम हो गए, सब गुम हो गए। नहीं नहीं, असल में वो आज कल अभी बस थोड़े से दिन रहेंगे, यूनिवर्सिटी स्टार्ट। अच्छा, और हम बड़े उदास हैं, सबसे बड़े उदास हैं कि ये क्या हो रहा है, ये 1 month की छुट्टियां गुजारी हैं, बहुत सारे एंजॉयमेंट भी की है, स्टडी भी की है, तो अब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि तुम्हारे लिए मॉर्निंग उठना कैसे है। ये तो है, ये तो करना पड़ेगा बहन। हाँ सही बात, अब ना दिल ना भी चाहे तो फिर भी करना पड़ेगा, तो हम सब ने किया है, सब करते हैं, बिल्कुल ये बात है। और मैं पोल का जवाब दूंगी मैं। जी जी बिल्कुल, कि हम लोग नहीं देख सकते टीवी ड्रामा, कोई भी हो, कोई मूवी हो या कोई फिल्म ड्रामा हो, हम अभी ड्रामास वगैरह की बात कर रहे हैं, मूवीज अ टोटल डिफरेंट लीग। ओके, तो ड्रामा भी है जो आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो हम लोग नहीं देख सकते ड्रामा, अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। अच्छा, तो फिर आप बच्चों को कैसे, मतलब आप रोकेंगे, रोक देंगे उनको कि नहीं आप नहीं देख सकते ड्रामे? अगर हम उनको मना करेंगे तो फिर वो वही काम करेंगे जिस चीज से हम लोग उनको मना कर रहे हैं। ये तो है, तो हमें कुछ ऐसी ऐसी उनको वही ऐसी वाली चीज, वो क्या है वो अभी माइंड में आया तो बताऊँ ना आपको। कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिसकी वजह से वो मना भी हो जाए और वो चीज ना भी देखे और थोड़ा सा अपना अपने माइंड को सेट कर ले कि हाँ भाई ये चीज गलत है और आपने ये काम नहीं करा। सही, आई थिंक अपना खुद का टीवी चैनल निकालना पड़ेगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सही, और आज न्यूट्रिशन डाइट के हवाले से प्रोग्राम है, टॉपिक है आपका, और मैं समझती हूँ कि हमारे घर में जो डाइट प्लान है वो सबसे बेस्ट है। मैं ये समझती हूँ, सवाल तो कोई नहीं है सच, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे घर में क्योंकि पूरा जो 2 weeks होते हैं ना, 2 weeks में हमारे घर हर चीज बनती है, एवरीथिंग। अगर एक दिन हम लोगों ने प्रोटीन खाने है तो दूसरे दिन मत है कि हम लोग कोई कार्बोहाइड्रेट या फैट्स खा रहे हैं। तो ये जो प्लान ये बनाया, ये मेरे बाबा जानी ने बनाया है और हम लोग सब इससे बहुत खुश हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चले, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक घर में एक डाइट प्लान बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए, बैलेंस डाइट प्लान बनाओ। वेरी वेरी नाइस अनम, आई एम रियली इम्प्रेस, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। ओके, दैट वाज वेरी नाइस। थर्सडे को क्या खाया? सिर्फ इतना करेक्शन करूंगी इनके इसके अंदर कि इन्होंने कहा कि एक दिन हम प्रोटीन खाते हैं तो एक दिन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, एक ही दिन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सारी चीजें खानी चाहिए। ये हम खा रहे होते हैं, सिर्फ उनको इल्म नहीं है इस चीज का कि किस चीज में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है। हर जो हम खाने कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स मिनरल्स विटामिन सारी चीजें उसमें होती हैं। हम थर्सडे पे आ रहे हैं, थर्सडे के अच्छा अब जल्दी जल्दी बता रहे हैं, टाइम खत्म होने वाला है। थर्सडे के अंदर हम अपनी डाइट के अंदर इसको और सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो आप किसी भी एक 1 cup of whole जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है आप उसको ले सकते हैं, वो पैकेज में भी मिलते हैं, पैकेट फॉर्म में आप उसको भी ले सकते हैं, पॉरेज की फॉर्म में है, ओट्स का ले सकते हैं, ओट का कोई सीरियल ले लिया आपने उसको,
खाना भी इजी है कि आपने उसको रेडी टू सर्व होते हैं कि आपने हॉट मिल्क में डाला और वो तैयार हो जाते हैं। मैं मेंशन तो नहीं कर रही किसी प्रोडक्ट का नाम, अगर कोई भी इस तरह की चीज़ आप ले सकते हैं जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में, आपने उसका एक कप स्किम मिल्क के साथ ले लिया, दैट इज गुड। ठीक है, आप खाना बता दें, खाना जल्दी से। लंच और डिनर की हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। हमने फिश 15 डेज में कहते हैं कि हमें 2 times कंज्यूम करनी चाहिए, तो वीक में एक दफ़ा फिश का इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको फिलेस की फॉर्म में बना लीजिए, आप उसको करी की फॉर्म में बना लीजिए, जिस तरह आपके घर में एक ट्रेंड है बनाने का, आप उस तरह उसको बना लीजिए। मगर ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको सालन की फॉर्म में बनाएं या स्टीम बनाएं, क्योंकि फ्राई करने से वो बहुत एनरिच हो जाती है। नो डाउट टेस्टी होती है मगर ऑयल कंटेंट बहुत बढ़ जाता है। आप सालन बना रहे हैं तो उसको सालन चावल के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ ले लीजिए, वरना चपाती के साथ विद सैलड जरूर लीजिए। ठीक है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिनर, आप दाल को इंक्लूड कीजिए। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि दाल बनती है, सब लोगों के यहाँ बनती है, तो आप दाल को विद गुड भगार के साथ नहीं, ठीक है, वेरी लाइट, अगर नहीं खा सकते सिंपल, वैसे तो सिंपल अच्छी सफिशिएंट होती है, मॉडिफाइड फॉर्म में होती है, मगर अगर आप उसको लाइट भगार के साथ खाते हैं, बहुत लाइट भगार, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए, एक सफिशिएंट होती है अगर आप सिर्फ दाल भी खा रहे हैं, वरना कुछ वेजिटेबल्स साथ में बना लीजिए उसके। अच्छा, फ्राइडे तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे होता है, फ्राइडे को पास्ता बना लें। अच्छा, लंच में, लंच में पास्ता बना लें, हेल्दी कॉम्बिनेशन है, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि वेजिटेबल्स है, चिकन है, ऑल द थिंग स्टफ आर ऐड इन दैट। मैदा बहुत होता है इसमें, इजंट इट, फैट में, मगर हमने पूरे दिन तो आई मीन पूरा वीक तो बैलेंस किया है उसको, हमने पूरा वीक एफर्ट कोई चीज नहीं डाली, नो लाइक दैट। अच्छा, हम मगर ये है कि हम जो प्रमोट कर रहे हैं दैट इज अ हेल्दी पैटर्न, उसमें हम नहीं डाल सकते, ऐसे खाते हैं यार, कोई इसमें वो नहीं होता, इतना कि रिस्ट्रिक्टेड खा रहे हैं, बट नहीं डालते इसलिए कि वो एक बन जाती है ना वो चीज़ के, आप उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। और क्या खाते हैं हम घरों में आमतौर पर, आपके घर में क्या खाते हैं, कोई कोई डिश बताएं। हमारे हाँ इसी तरह की चीज़ें होती हैं, कढ़ाई ऑन फ्राइडे, सिंपल चिकपी का सालन भी तो बनता है, हम वो बना लेते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजेदार होता है। चिकपी का सालन, उसके ऊपर एग्स, और इतनी सारी दालों की टाइप है, अभी तो हमने सिर्फ एक दाल खाई, काली मसर की दाल, अरे हाँ काली मसर की दाल में चावल जो खाया जाता है, एग्जैक्टली, हम फ्राइडे को दोपहर में वो रख लेते हैं, रात में चिकन कढ़ाई रख लेते हैं, रात में चिकन कढ़ाई आ ही गई, मेरी चिकन कढ़ाई आ गई फाइनली। और फिर सैटरडे और संडे को तो हैवी रखना होता है, नॉर्मली बिरयानी है, यखनी पुलाव है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और पता है संडे को यूजली हमारा खाना जो होता है वो एक हो जाता है, मतलब इन अ सेंस कि हम लोग कल ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो 1 है और डिनर 1 है, तो वो मतलब 2 meals हो जाते हैं यूजली लोगों के घरों में संडे को। बहुत से लोग स्टिल ऐसे होते हैं जो जल्दी वेकअप हो लेते हैं और मतलब अर्ली लंच ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो फिर वो एक एहतमाम जो होता है ना संडे के लंच का, वो बिरयानी बन रही है या इस तरह का स्टफ बन रहा है, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ बन रही है। मगर अब डॉक्टर रफिया इतना बिजी संडे गुजरता है, मतलब कोई ना कोई क्लासेज हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, कोई भाई वहाँ जा रहा है, कोई अब्बा का एक्स्ट्रा वो काम है, तो वो संडे जिस तरह वो पर्टिकुलरली बनाते थे ना कि जो बिरयानी बन रही है या इस तरह की चीज़ बन रही है, वो चीज़ होती नहीं है फॉलो मेरे घर में, तो अब नहीं होती, आई डोंट नो, कि काफ़ी सारे घरों में नहीं होती, राइट एक्चुअली वो एक वक्त में होता था कि लेकिन अभी भी होते कि संडे को अगर हमारे घरों पे फैमिलीज आ रही हो, मतलब बनता तो फिर हम लोग जरूर बनाते हैं, लेकिन फिर वही है कि आप खाएं जरूर लेकिन एतदाल के साथ, ये नहीं हो कि पूरा हफ्ता खाने को नहीं मिला तो आप टूट पड़े जी डिश के ऊपर और अकेली पूरी खा ली, तो ऐसा कुछ नहीं करना खाने, तो बस आपको अपना सर्विंग साइज जो है वो थोड़ा कंट्रोल रखना है। क्या होगा एक नॉर्मल इंसान का सर्विंग साइज, डिपेंड करता है कि हम अगर राइस की बात करते हैं तो एक जो हम बड़ी हमारी सर्विंग प्लेट होती है, अगर हमने वंस उसको फिल किया है और कितना फिल किया है वो कि पहाड़ी बना ली उसकी, मतलब एक नॉर्मल, वैसे हम जो रिकमेंड करते हैं वो 3/4 cup होता है, मगर डॉक्टर फिर यहाँ कप्स में ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि नॉर्मली कौन मेजर करता है और कौन कप से उसको मेजर करके डालता है, तो अगर क्वार्टर प्लेट अगर आप ले रहे हैं एक दफ़ा फिल करके तो वो आपका एक्चुअल सर्विंग साइज है, मगर हम तो बड़ी प्लेट में जब भी चावल खाए जाते हैं वो सर्विंग प्लेट में खाते हैं, तो वंस उसको पहाड़ी मत बनाइए, नॉर्मल फिल करके अगर आपने खा लिया दैट इज इनफ फॉर यू, एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत होता है। अच्छा नहीं, हमने सैटरडे और संडे को थोड़ी सी छूट दे दी है, लेकिन इस छूट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस फ्री हो जाएं और बहुत ज़्यादा खा लें, सर्विंग साइज प्लीज़ कंट्रोल रखिएगा। सैटरडे संडे ठीक है, हम लोग के घरों में फंक्शंस भी होते हैं, शादियों में भी जाना होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो इन दिनों में ना थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखें, बाकी पूरा हफ्ता आप इनका फॉलो कर सकते हैं। सारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। ज़ेरा ने आपको पूरे हफ्ते का जी मेन्यू का एक टाइम टेबल बताया है, एंड आई होप यू विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट, एंड इसके साथ साथ जब आप हम फरहाना मिर्ज़ा की एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिट रहेंगे। इस चीज़ के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हाई हाइपरटेंशन पे बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।